फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं या आप अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं या अकाउंटिंग की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपको अकाउंटिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो कौन से एप्लीकेशन है अकाउंटिंग की फील्ड में जिनको आपको सीखना चाहिए और इनके ज़रिए आप आगे अकाउंटिंग की फील्ड में आसानी से आप जॉब पा सकते हैं, या आप करेंटली अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में जॉब कर भी रहे हैं तो आप इन एप्लीकेशन को सीख के आप उसी फील्ड में आगे आप अच्छा प्रमोशंस आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल .NET Institutes में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की ऐसी 5 एप्लीकेशन जो कि अकाउंटिंग एप्लीकेशन है और कंप्यूटर अकाउंटिंग एप्लीकेशन है और बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर एप्लीकेशन है जिनको अगर आप सीखते हैं तो इनके ज़रिए आप कंप्यूटर के फील्ड में, आप अकाउंटिंग फील्ड में अच्छी खासी जॉब्स आप पा सकते हैं या अच्छा प्रमोशन आप इन एप्लीकेशन को सीखने के बाद अपनी फील्ड्स में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि ये 5 कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप सीखें तो आप अकाउंटिंग के फील्ड में बहुत अच्छी जॉब्स आप पा सकते हैं या अच्छा प्रमोशंस आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर अकाउंटिंग जॉब्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग जॉब्स के लिए कंप्यूटर की फील्ड में ऐसी कौन सी 5 बेस्ट एप्लीकेशन है जिनको अगर आप सीखते हैं तो आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छी जॉब्स आप ले सकते हैं या अच्छा प्रमोशंस आप इन एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप पा सकते हैं। वहाँ पर पहली एप्लीकेशन है फ्रेंड्स आपके लिए टैली ERP 9। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग में एक बहुत ही पॉपुलर नेम है जहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज में या छोटे जो बिजनेसमैन हैं उन सभी के पास में जो है वो टैली ERP 9 की बहुत अच्छी डिमांड्स होती है। अगर आप इस एप्लीकेशन को सीख लें और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग की फील्ड में आप जॉब करें तो ये एप्लीकेशंस आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा। बिना इस एप्लीकेशन के आपको कंप्यूटर्स में या अकाउंटिंग की फील्ड्स में जॉब मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ पर पहली एप्लीकेशन है फ्रेंड्स आपके लिए टैली ERP 9, जो कि एक ERP सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आप अपना पूरा अकाउंट इसके ऊपर आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर एशिया में। नंबर 2 जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, जिसका सेकेंडरी बहुत अच्छा यूज हो रहा है, वो है BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर टैली के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो है BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी भी ट्रेनिंग लेते हैं और आप इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लेते हैं तो बहुत सी कंपनीज हैं जो BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं और इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप अपनी अकाउंटिंग की फील्ड्स में आप जॉब्स जो है वो पा सकते हो और ले सकते हो, या आप करेंटली जिस किसी भी जॉब्स में हो अगर आप इस एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप उसमें प्रमोशंस ले सकते हो। नंबर 3 अकाउंटिंग एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे फ्रेंड। जैसे कि हम इस वीडियो में जान रहे हैं कंप्यूटर की 5 ऐसी एप्लीकेशन जो अकाउंटिंग फील्ड से हैं और इन एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप आसानी से कंप्यूटर की फील्ड्स में या अकाउंटिंग की फील्ड्स में आप जॉब्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हो या जॉब्स ले सकते हो, या करेंटली अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हो भी तो आप इनके जरिए सीखने के बाद अच्छी प्रमोशंस आप ले सकते हो। तो नंबर 3 पे जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स वो है मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर फील्ड में 3 पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये भी आप अगर आप सीखें, डिपेंड करता है कि आप अगर करेंटली किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर आप मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर यूज हो रहा है तो आपको इसको सीखने का बेनिफिट मिलेगा जिससे कि आप उसमें प्रमोशंस ले सकें, या आप मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज में आप जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो 3 पे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स कंप्यूटर की एप्लीकेशन में जो कि अकाउंटिंग एप्लीकेशन है उसमें नंबर 3 पे है आपके लिए मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जानेंगे नंबर 4 पे जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर की फील्ड्स में अकाउंटिंग्स के लिए, वो है फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉफिट बुक।
जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट बुक एक बेहतरीन एप्लीकेशन है अकाउंटिंग के फील्ड्स में। बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और अच्छा अकाउंटिंग मैनेजेबल पे ये प्रॉफिट बुक जो है वो आसानी से मैनेज कर लेती है हमारे सारे अकाउंटिंग्स वर्क को। तो टैली, बीजी और माँ के बाद जो चौथी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग के फील्ड्स में, हमें अगर कंप्यूटर्स में अकाउंट्स को मैनेज करना है तो नंबर 4 पे है आपके लिए प्रॉफिट बुक। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान रहे थे जो कि अकाउंटिंग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इस वीडियो में तो उसमें नंबर 5 पे जो है फ्रेंड्स आपके लिए, वह है सरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, इसका भी बहुत अच्छा यूज है अकाउंटिंग के फील्ड्स में। बहुत सी कंपनियाँ सरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं, तो अगर आप सरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी सीखते हैं तो इसके बाद आपके पास में जॉब्स पाने के अच्छे चांसेस होते हैं या प्रमोशन पाने के अच्छे चांसेस होते हैं अगर आप कंप्यूटर्स में इन एप्लीकेशन को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए टॉप 5 कंप्यूटर अकाउंटिंग एप्लीकेशन। जिन एप्लीकेशन को सीखने के बाद अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड से हैं तो डेफिनेटली आपको इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को सीखना बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस के मुताबिक मैंने इनको कैटेगराइज किया था जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और सबसे कम यूज़ होती हैं, तो इसी के हिसाब से हमने 1 to 5 की ओर इनको सेट किया था। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है आपके पास में टैली, सेकेंडरी में आपके पास बीजी, थर्ड में आपके पास मार्ग, फोर्थ में आपके लिए प्रॉफिट बुक और लास्ट में आपके पास में नंबर 5th में है वो है सरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए 5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि कौन सी अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको सीखनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छी जॉब और अच्छी प्रमोशन इसमें मिल सके। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो। तो पसंद अगर आपको आया है तो डेफिनेटली लाइक इसके लिए मेरे लिए आपका बनता है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकॉन पर भी हिट कीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।